सूरज ठाकुर और आज हम लोग जानलेवा मोहब्बत का मुहूर्त कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टाइम सब लोग आए यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ तो खुशी हो रही है। और ये हमारे हैं शिवाकांत मिश्रा जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ ऐसे पार्टनर हैं हम लोग। और ये सर हमारे दिनेश राजपूत जी। हम लोग सब मिलकर एक अच्छी फिल्म का स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब अब कुछ पूछिए तो सही। मोहब्बत तो हर तरह की होती है, बट यहाँ पे कैसा है ना, ट्रायंगल जानलेवा मोहब्बत चल रहा है। एक लड़की है, उसके पीछे सारे लट्टू हैं, तो विलेन भी हैं, हीरो भी हैं। और हमारे फिल्म में जो हीरो हैं बॉबी जौनपुरी जी, अभी उनकी फिल्म आ रही है जब जब खून पुकारे, जस्ट बारिश के बाद रिलीज हो जाएगी। हमारे साथ एक फिल्म उन्होंने पहले ही किया है, हॉरर नाइट डायरेक्ट किया है और फिल्म रिलीज है ऑल इंडिया। आगे बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम दोस्तों, मेरी ये पहली भोजपुरी पिक्चर है जिसमें हम काफ़ी खुश हैं पिक्चर करने से। अभी आगे बाकी जो कुछ भी है, सुरेंद्र भाई हैं, दिनेश भाई हैं, हम लोग मिलकर एक अच्छी मूवी का तैयार कर रहे हैं। बाकी पिक्चर ये भी है सर, जैसे आपने सोचा है क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, अभी तक की स्टोरी के हिसाब से जो लग रहा है कि हमारी पिक्चर बहुत अच्छी रहेगी। आगे ऊपर वाला गाने का रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा गाना है और वो गाना एक सुपर डुपर हिट कर देते हैं। मधुकर आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर आज गाने के डबिंग है। फिल्म के कास्टिंग बबलू जौनपुरी पाठक, देन सुरेंद्र जी हैं, विजेंद्र सिंह और काजल रघवानी मेन लीड कर रही हैं। काजल रघवानी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी सपोर्टिंग हैं सारे मार्केट में। ऐसा काफ़ी अच्छा माहौल है, देखते हैं फिल्म बनने के बाद मालूम पड़ेगी कैसी लगी क्या हुई। देखिए अभी तो भोजपुरी की सुपर स्टार भी है, मार्केट में बहुत नाम है उनका और हम खुद चाहते हैं कि उनके साथ फिल्म करें। दैन ऐसा सौभाग्य मिला सके और हम लोग आज फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के बारे में? पूरी टीम हमें बहुत अच्छी लगी, तभी हम इसमें इन्वॉल्व हुए और हम चाहेंगे कि पूरी टीम मुझे बहुत अच्छे आगे से लेके जाए। और डिपेंड करेगी हमारी शूट पे कि हम पिक्चर को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बाकी जो भी है तो दर्शकों से क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी स्टोरी है, बाकी तो मूवी आने के बाद दर्शक ही हमें बताएंगे कि पिक्चर का क्या प्रोग्राम है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत। जानलेवा मोहब्बत पिक्चर पर आज प्रमोशन हो रहा है तो ये फिल्म से हमको बहुत खुशी हुई और हमारे गांधी भाई बहुत ही बस और सबसे हिट निकले के लिए हमारे आशा। आज माहौल का गाने रिकॉर्डिंग हो रहा है, गाना रिकॉर्डिंग क्या लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फील्ड और फील बहुत अच्छी लगी हमको और हमको उम्मीद है कि बहुत आगे निकले। फिल्म के डायरेक्टर बात की गई जिनके बारे में नहीं, अच्छा सबका प्रमोशन बहुत अच्छा लगा। हीरो हीरोइन बाकी कलाकार सब 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 पूरी टीम जैसा माहौल घर जैसा माहौल मिला, बहुत ही इनको कामयाबी बहुत जल्दी। ये है मेरी आने वाली फिल्मों की तैयारी। मैं आने वाली अपनी फिल्मों के लिए हमेशा तैयार होती हूँ, वेट कभी लॉस करती हूँ कभी पुट करती हूँ। तो आप ये समझे कि खुशी कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश मुझे हमेशा अपनी खूबसूरती और अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए अवगत कराती है। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हमारे हीरो लेखक सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं और इसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक फिल्में अच्छी आ रही हैं और दर्शकों को कहीं ना कहीं कुछ नए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे लेखक जी इस फिल्म में बहुत अच्छी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी जहाँ तक मुझे पता चला है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से अगर हर इंडस्ट्री का राइटर कुछ नया करे, कुछ नया बनाए तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ऊपर। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद मुझे कुछ बड़ी फिल्म करने का मौका मिला है जिसमें बड़ा किरदार है, जिसे हर एक अच्छे एक्टर है, चूँकि मैंने थिएटर किया है, 100 के करीब मैंने फिल्में की हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मराठी हिंदी के अलावा। तो मुझे भी इंतजार था कि मैं दिनेश जी के साथ कुछ ऐसा करूँ जो लोग जब थिएटर से
बाहर निकले तो उनके उनके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन हो, ये क्या की ये लड़की है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है निरहुआ हिंदुस्तानी 2, और आप लोग जाइए थिएटर में देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को और बढ़ावा दीजिए ताकि हम और आगे बढ़े और अच्छा कुछ करें। हाँ, कॉमेडी से बने रितु पांडे खलनायिका, दरअसल कॉमेडी तो मैंने बहुत किया और दर्शकों को बहुत हंसाया, आज भी दर्शक मुझे चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन सर्टेन टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों को कुछ अलग करके दिखाऊं, शायद उन्हें मेरा ये रूप भी पसंद आए, तो मैंने कहीं ना कहीं खलनायिका की भूमिका भी अपना ली है। अब देखते हैं कि दर्शक उसे कितना पसंद करते हैं। एक तो टाइटल को सामने सेंसर ने कहा कि टाइटल की वजह से फिल्म को थोड़ा सा तकलीफ हुई है, हालांकि बाबरी मस्जिद बहुत अच्छी फिल्म है, लव स्टोरी है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, मतलब कहते ना प्यार का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, प्यार जब होता है तो बहुत होता है और उसके लिए बेइंतहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, अब वो सेंसर पे डिपेंड करता है कि वो पिक्चर को क्यों आगे नहीं बढ़ा पाई। बाय द वे बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और दर्शकों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बाबरी मस्जिद में नज़र आऊँगी पर दूसरे रूप में। रिपोर्टर बनी हूँ, जैसे कि मेरा इंटरव्यू ये दो रिपोर्टर ले रहे हैं, एक हमारे राम है और एक हमारी पूजा है, और हमारे सामने और भी जो लोग मौजूद हैं, इसी तरह से मैं भी उसमें रिपोर्टिंग कर रही हूँ। वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम को हमेशा नेता उनको आगे ला करके दंगा करवाते हैं, प्यार को अलग करने की कोशिश, इस तरह से मैं भी रिपोर्टिंग करती हूँ, और बहुत ही सामना मुश्किल मतलब मुश्किल का सामना करके मैंने रिपोर्टिंग की है और दर्शकों तक अपनी बातें और उनकी मोहब्बत को लाने की कोशिश की है। जानलेवा मोहब्बत, मैंने कहा ना अभी कि विजेंद्र ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है, और बहुत जल्द जब इसकी शूटिंग होगी और फिल्म सामने आएगी तो आप सभी लोग समझ जाएंगे कि उफ ये जानलेवा मोहब्बत कहीं जान ना ले लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जान लगा मौसम में मैं आया हूँ मुहूर्त में, लेकिन बच्चा को इतना घाटे में क्या बताऊँ, वक्त कहीं अगर मिल जाए प्यार से तो मार भी रखते जान से, वही पैदल जान रहा है मोहब्बत। हाँ देखिए भैया फिल्म बहुत होने के लोग प्यार करते हैं, प्यार में सफर में मिलेगा तब तक प्यार में निभाने मिल जाए, अब नहीं मिले तो लाख में करना ही पड़ेगा, अगर मार लेंगे मार लें फिल्म के लिए जो नए डायरेक्टर फिल्म बाकी थी और जो प्रोड्यूसर है वो भी पहले बात बच्चे फैमिली जिम्मा लेकर चलने के स्टॉल में उनके साथ जुड़ा है लोग भी चले साथ में धन्यवाद हम लोग अभी नई फिल्म लेके आए और इंडस्ट्री में नया अपना कदम कराए। आप भी सुनने के आएंगे? हाँ देखिए मुझे बुलाया गया तो जाहिर सी बात है उनके पति बुलाया गया है, मेरे तो भी धन्यवाद उस फिल्म के लिए, मैं रहूँगा इन विश्वास है। थैंक यू सो मच। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, फिल्म जानलेवा मोहब्बत का मुहूर्त है, किस तरह आप इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ दर्शकों से बता दीजिए। पहले तो नमस्कार सबको, दर्शकों को आप सबको बहुत प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, और इस फिल्म को भी आप लोग अपना प्यार दीजिए। और मेरा जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो बहुत ही हटके है, एक क्यूट सी लड़की का भी है जो कि मतलब कैसे लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते हैं और वो क्यूट सी लड़की कैसे चेंज हो जाती है, और क्यूट के साथ साथ उसमें बोल्डनेस भी है कि आई एम वेरी बोल्ड, मतलब मैं कोई भी कदम उठाती हूँ तो डर के उसका सामना करती हूँ कि हाँ आई एम समथिंग। और जैसे कहते हैं ना नारी सशक्तिकरण के ऊपर ये फिल्म देखा जा सकता है तो बना है, तो मतलब एक भोजपुरी में कुछ अलग करने को मिला है, मैं भी कुछ अलग कर रही हूँ इस फिल्म में, और आई थिंक ये भोजपुरी फिल्म का कुछ अलग जो कॉन्सेप्ट लिया गया है इस फिल्म की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का जो एक नाम जो शायद कुछ जगह बदनाम है वो चेंज होगा, क्योंकि काजल राघवानी जी की तो एक बार फिर उनके साथ ये लड़ के बाद जी बिल्कुल बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं श्री काजल जी, और उनके साथ इस समय भी काम करके बहुत अच्छा लगा था, और हाँ इस समय भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी इस फिल्म की हीरोइन हूँ वो भी एज ए पहले लीड वो भी काम कर रही हूँ मैं भी। तो अंजलि जी आपने इलाहाबाद कर दी जी, फिल्म में किस तरह से आपने कदम रखा है? हाँ देखिए मैं पहले थिएटर करती थी और इसके बाद मैंने एक्टिंग सीखा, मेरा जर्नी बहुत टफ रहा है,
क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली कोई भी बड़ा काम करना हो तो उसके पीछे छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं और कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि सीखा हुआ इंसान ही कुछ अच्छा कर सकता है। और मैंने ना सिर्फ मिस अलाहाबाद कॉन्टेस्ट में विनर हुई बल्कि मैं सीरियल भी करती हूँ एज ए नेशनल चैनल पे, जी टी वी, स्टार प्लस एंड एवरी चैनल, सब टी वी, सब में नए नए सीरियल्स आते हैं। और अभी जो भोजपुरी की बात है तो हाँ, गांव के लोगों से जुड़ने का मौका मिला है भोजपुरी के तरफ से, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव का भी प्यार मिलता है और शहर के लोगों का भी प्यार मिलता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मेरा कह सकती हूँ कि अपना लैंग्वेज है कि जिसे अपने मदर टंग कह सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं भोजपुरी की देखती हूँ या उनके साथ काम करती हूँ। मेरी फिल्में हैं जैसे चीर हरण आ रही हैं और उड़ान फिल्म है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत प्यार दीजिए। और हाँ, इस फिल्म के लिए भी आप लोग अपने बहुत बहुत प्यार बनाए रखिए ताकि मैं बहुत आगे बढ़ूँ। बस आपका आशीर्वाद है, आपको प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बहुत खुश होते हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और छोटी मोटी कहानियाँ लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी में कुछ नया आपको सबका दिया जाए, कंसेप्ट कुछ ऐसे हों जो हमारे धरती से जुड़े रहें, हमारे माटी से जुड़ी हों और जिसे देख के हर परिवार, हर घर एक साथ बैठ के देख सके, बस कोशिश यही चल रही है। और विशेष कहता हूँ, आप लोग के सामने आ ही रहा हूँ मैं। जैसा भी हमने कहा छोटी मोटी आप कहानियाँ लिखी, लेकिन आपने बहुत बड़ी फिल्म लिख दी है जान लो मोहब्बत, ये राज क्या है आपके साथ की आपके रियल तक नहीं गलती है कहीं क्योंकि तो मोहब्बत भी लोग लेकिन जान ले मोहब्बत एक खतरनाक फिल्म लग रहा है सर, आपके इरादे देख नहीं लग रहे। ना दिन में चैन मिले, ना दिन में चैन मिले, रात बीते फिर अपने करवट, जब दिल ढूंढे दिलदार को, समझ लिया हो गई जानलेवा मोहब्बत। अपने पूरी फिल्म की जो भी इसमें मैसेज है, जो भी मुझे देना चाहता हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने मैंने एक दो लाइन में बताया। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग कुछ करें और किस तरीके से कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। डिपेंड ये है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं, किस वे में आपको ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए एक राइटर होने के नाते, एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होने के नाते, कि हम पब्लिक को कुछ ऐसा दें। अपनी कोशिश हमने आपके सामने रखी, बस अब आप इसको ये कह रहे हैं बड़ी बात है, तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि आपने ऐसा सोचा इसके बारे में। मेरे हिसाब से तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें सूरज जी हैं, स्क्रीन के डायरेक्टर सूरज जी हैं, और सूरज जी इसके पहले हिंदी फिल्में उन्होंने की और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और एक टेक्नीशियन, क्योंकि वो बहुत पहले कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, एज ए कोरियोग्राफर उन्होंने बहुत काफ़ी फिल्में की हैं और कुछ हद तक तो रिलीज भी हैं जो आपके मार्केट में है। अभी हाल फिलहाल में उनकी फिल्म आई थी हॉरर नाइट करके, उसमें भी काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है और हम साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ में। हमारे प्रोड्यूसर हैं राम मिश्रा जी हैं, सूरज जी भी हैं, उन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम टीम की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से सब दर्शकों को सबसे पहले फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस हो और आप लोगों को पसंद आए। जी, इसके पहले एज ए राइटर मैंने एक फिल्म अभी लिखी है हाल फिलहाल में, जिसकी शूट कंप्लीट होने वाली है, चीर हरण करके, चीर हरण भी मैंने लिखी है। और इसके पहले बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन चीर हरण के बाद ये दूसरी मेरी फिल्म है जिसको जानलेवा मोहब्बत हम लोग कह रहे हैं आपके सामने। सर, ये अच्छी बात है, आप इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये हमारी सूरज भारती जी और हमारे इस फिल्म के हीरो बबलू जौनपुरी जी, इन दोनों की वजह से मैं इसमें थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करके पब्लिक को कुछ अच्छा दिखाऊँ। आपका जैसे लुक है बड़ा खतरनाक विलेन था, तो आप क्या विलेन कर रहे हैं क्या है? ऐसे सुनने में आया है कि आप साइको का कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब क्या है वो कैरेक्टर, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ताकि पब्लिक को मालूम तो पड़े आप क्या कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या बोले? अरे प्यार करता हूँ तुमसे, तो करता हूँ। अरे यार देखो, तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, प्यार करता हूँ।
समझ में नहीं आता। प्यार करता हूँ ना तुमसे, प्यार करता हूँ यार, मेरी फीलिंग को समझो। देखो मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। बहुत अच्छा, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा है। तालियां, तालियां। कोशिश कर रहे हैं सर। इसमें सबसे पहले तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ही डिपेंड है कि हमारी मेहनत किस, हमने जो किया है वो किस हिसाब से है, किस तरीके से है, उनको कितना पसंद आए। हमारी पूरी कोशिश है कि इस फिल्म को हिट ही नहीं, सुपर हिट कराए, ब्लॉकबस्टर मूवी बनाए इसको, और भोजपुरी के इतिहास में इतिहास अच्छा जाए। मैं अपने तरफ से जी जान लगा दूँ। फिल्म में आप राइटर के अलावा एक्टर भी हैं, और सुनने में आया है आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। मोहब्बत का एक गाना गुनगुना सकते हैं आप पब्लिक के लिए? देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब आपने जब बोला है तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, शायद कैसा लगे। इसमें एक गाना है हमारे फिल्म का, फर्स्ट गाना है जिसमें हमारे हीरो हीरोइन का इंट्रो है। थोड़ा सा इंट्रो में मैं दो लाइन गाऊंगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम में नहीं आ जाऊँगा मैं, अलाउड नहीं है, फिर भी गा। हो आजा सनम आजा, तू हमरा बहिया में आजा सनम आजा, तू हमरा बहिया में नैना बिछल बा कब से तहरा रहिया में। क्या बात, बस क्या बात, बहुत अच्छी आवाज़। भोजपुरी में कुछ नया ला रहे हैं आप एज ए एक्टर, एज ए राइटर, एज ए विलेन। और सुनने में विलेन फाइट मास्टर हमारे जो जिला मास्टर हैं जी, तो आपको तो मालूम होगा कि हर विलेन कास्टिंग मास्टर आता है। जी जी जी, हर विलेन लास्ट में मार खाता है, ये तो है, ये परंपरा चली आ रही है। इसको चेंज करने की कोशिश की है हमने, ये पहली बार होगा जहाँ तक मुझे लगता है, कहना नहीं चाहता लेकिन आप बोल रहे हो, थोड़ा सा बता दूँ, ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें विलेन अपने आप से अपने आप को मारने के लिए बोलेगा कि अब मुझे मार, जीना नहीं चाहता। थैंक यू, बड़ा मजा आया। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा नाम संदीप खा है, एक्टर हूँ, थिएटर से हूँ, अभी आप लोग के आशीर्वाद से काम भी कर रहा हूँ मैं। और ये जो मुहूर्त हो गई आज जानलेवा मोहब्बत है, पहले आप लोग को मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं सर, कैमरे रूम हम जैसे होगा, ये बहुत अच्छा लगता है। सर बात करें इस फिल्म का जैसे नाम है, तो नाम के साथ क्या हुआ है? फिल्म के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, जान लेवा मोहब्बत आप देख रहे हैं, हम मोहब्बत में जान लेने देने की बात करें यहाँ, तो यही सारी चीज़ें होंगी, कहानी अच्छी होगी। और इस फिल्म के जो अभिनेता हैं पप्पू पाठक जी, बादल विजेंद्र और निर्देशक हैं सूरज भारती जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बढ़िया फिल्म बनाई। और मतलब जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक के बारे में तो बनाई नहीं है, म्यूजिक अच्छा है। आपने भोजपुरी सिनेमा से मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया था कि कहानी उस तरह से आती नहीं थी, बढ़िया कहानी और डायरेक्टर अच्छा हो तो काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग थिएटर से हैं, दैनिक थिएटर और ड्रामा से डिप्लोमा वगैरह किया। अब जिनको एक्टिंग का कोई ये भी सीरी मालूम नहीं है, वो मेरी है तो हमें क्या करें, अगर अच्छा अभिनेता सामने बोला तो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों से मैं ऊब गया था। मैं सुना कि नहीं चलो घर पे जाके ट्रैक्टर चलाएंगे, खेती करेंगे, फिर लेकिन मन नहीं माना, फिर आया, आने के बाद चीर हाण जैसी एक कहानी आई मेरे पास, अजय झा जी निर्देशक है, कहानी बहुत अच्छी लगी और ये विजेंद्र सिंह ही उसको लिखे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैंने उस फिल्म के लिए हाथ ले लिया। उस फिल्म में आप किसका जी? हाँ किसी का नहीं करता हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि टिकट किया है ना, हर युग में
अनुशासन तो होता ही है, अगर आप अभिनेता है कहीं पे तो वहाँ पे विलेन भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नहीं, तो वहाँ पे सिचुएशन का चीरण होता है। और वैसे काजल जी हैं उनके साथ भी, काजल जी को मैं शुभकामना देता हूँ, और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत लगन से काम करती हैं, और क्या बोलूँ, बढ़िया काम हो। मिस इलाहाबाद अंजलि बनर्जी वो भी हैं इसमें, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि बढ़िया से काम करो, क्योंकि अगर ये सिनेमा क्या है कि इतिहास है, एक बार जब छप गया ना दोबारा वो फिर आप बना नहीं सकते हो, तो जितना जितना मेहनत कर सको कैमरे के सामने आने से पहले पीछे जो वर्क होता है उसको पूरा करो, और फिर उसके बाद कैमरे के अगर सामने आते हो तो बात कुछ और होती है। देखिए मैं अजय झा प्रोडक्शन डिपार्ट से टेक्नीशियन डिपार्ट से हूँ, और यही सोच रही हूँ कि अच्छा किया जाए, अच्छा किया जाए फिल्म को, मुझे भी अच्छा लगे अच्छी, क्योंकि आजकल अच्छे फिल्मों का बहुत वो है, और यही सोच रहे हैं कि अच्छा जब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आज जैसे एक रिस्पोर्ट आज यहाँ पर एक दूसरे मुलाकात में बातें हुई, और इसी बात में जो है पहले बार क्योंकि जानलेवा मोहब्बत मैं वापी में था, तो बबलू जी जो मेरे राम जैसे भाई हैं, आइए सर थोड़ा सा मैं आपको बुलाना चाहूँगा, आइए थोड़ा सा। हाँ ये हमारे जो इस फिल्म के हीरो हैं बबलू जौनपुरी जी, जिनको मैं अपना बड़ा राम मानता हूँ, और काफ़ी खुशी हुई मुझे जब उन्होंने बताया जो मैं मेरा कहना है अजय जी चाहता हूँ, तो मतलब कि मैं इनको कुछ शब्द नहीं मिला, मैंने इनको कुछ करके सुना, और मैं अपना सारा काम छोड़ के मेरे को बोला जी जाना जरूरी है, क्योंकि इनकी बातें काट नहीं सकते। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या देखिए, हीरो तो साथ में ही हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी उन्होंने वर्क भी किया है, और इनकी तीसरी फिल्म है भोजपुरी, और जो निर्माता जी हैं सूरज भारती और निर्देशक कर रहे हैं वो, तो उन्हें मैं यही बोलूँगा जो अच्छे दिल से बनाएं और थोड़ा सा जो वर्क है अच्छी तरीके से करें और अच्छा चीज़ करना चाहिए। देखिए फिल्म का भी वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन का वर्क चालू है, और बहुत जल्दी आप लोग देखने को मिल जाएगा सिनेमा में। हाँ नेक्स्ट फिल्म है, तैयारी चल रही है नेक्स्ट फिल्म की, जो विनाश और ये मैं हीरो हूँ, बबलू जी हैं तो ये हैं विनाश में, और नेक्स्ट मूवी जो है वो तो साधी सी को लेकर है जो भी पिकला उसके ऊपर वर्क चल रहे हैं। थोड़ा सा सत्तर आए आपके मोड पे, और मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, भले मुझे बड़ा अपना बड़ा भाई समझते हैं, बट ये हमारे गुरु जी हैं, आज जो भी हूँ मैं यानी जो भी कर रहा हूँ उनकी देन है, उन्होंने मुझे सिखाया मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो ये मेरे आदर्श और गुरु जी दोनों हैं, ये भले हम बड़े भाई अपना समझते हैं। बड़ी खुशी हुई हमें, नमस्कार मैं हूँ जीतल ठाकुर, आर्टिस्ट हूँ, मेरी पहली फिल्म है जानलेवा मोहब्बत, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, मुंबई में पली बड़ी, मेरा जन्मभूमि है। मैं सबसे पहले तो सूरज भारती जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जानलेवा मोहब्बत के लिए, और विजयेंद्र जी को, बबलू पाठक जी को, अच्छी फिल्म है, स्टोरी सुना मैंने अच्छी लगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले भैया लोग के प्रणाम भवे, हमारा नाम ओम कुमार, जो अभी भोजपुरी फिल्म छे हम कहेंगे, और बहुत खुशी भाई देखकर डायरेक्टर अजय झा जी रहना, और बहुत कॉपरेट भी करें हमके, बहुत अच्छा लगन आज जी, जो जानलेवा मोहब्बत, जानलेवा मोहब्बत जो फिल्म बा हमारे बड़े भैया मान के चले कि बड़े भैया ही मान ली बबलू जी, तो बहुत अच्छा लगा हमके, हम जो अभी सीरियल में हम काम करती है अभी फिलहाल, चंद्रकांता सीरियल हिंदी फिल्म है, हिंदी सीरियल अभी,
तो जब फोन आयल कि बाबू कल मुहूर्त भवे आवे के पड़े, हम बोली बहुत अच्छा भैया के फिल्म होवे तो जरूर जाए के पड़ी। तो भैया हम अहिनी भैया के साथ बहुत खुशी भई, भैया फिल्म कर देवन आगे भी मिल के करे के पता। ना सर अभी नहीं काम, भैया काम कर रहे, बहुत खुशी हो रही है। चंद्रकांता में बिजी है इसके लिए। जी जी जी, इसके लिए मैं नहीं टाइम दे पा रहा हूँ भैया को, इसके लिए सॉरी। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, इनके फ्यूचर के लिए? देखिए हमारे छोटे भाई हो, इनका खाती हमारे पहले से ही उम्मीद बा कि हम करी तो साथ में करे। अभी बिजी बाड़े सब क्या कर सकता है, चंद्रकांता लेके बिजी बड़ा कहीं संगे रह भाई, छोट भाई बड़ा तो संगे संगे रह, क्या कहते हैं भाई हम बिजी बानी भैया समझा लगल बड़े हिंदी में लगे रहे। हम लोग नेक्स्ट मूवी कर रहे सर, बहुत जल्दी हम लोग दोनों जन एक साथ में आने सुन दिया। ओके थैंक यू। आओ मैडम जी, का रोल है मधु का, जो एक गांव की बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है, जो एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है, तो ऐसा कैरेक्टर है। इसमें काजल जी मेन रोल में है, मैं आप हैं तो कैसे कमेंट करेंगे? जी मैं तो बल्कि मैं लकी हूँ कि मुझे काजल जी और अंजलि जी के साथ पहली बार काम करने को मौका मिल रहा है, जो टैलेंटेड हैं और मुझे ये दोनों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अरे जैसे बात के लिए अगर तीन लड़के अगर एक साथ हों तो आराम से पढ़ते, लेकिन तीन लड़कियाँ एक साथ नहीं पढ़ते। देखिए अभी तक फिलहाल इसमें ऐसा कुछ है नहीं स्टोरी, पर फ्यूचर में कभी हुआ तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी ये तो राइटर पे ट्राई करता है कि वो क्या लिखते हैं और किस हीरोइन को किस हीरो के साथ में वो रखते हैं, ये पब्लिक डिमांड भी होती है। अच्छा जब ऑफ कैमरा हो जाए शूटिंग में अगर आप तब हम तीनों एकदम मैं तो हाँ एज अ सिस्टर्स एज अ फ्रेंड। आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से आज उनको छोटी छोटी प्रणाम, और उसके बाद पहले आप कैमरा भाई का चैनल जो मीडिया साहब हैं आप हैं, आप सभी को प्रणाम है कि जो हमारी इंटरव्यू आप दर्शकों के पास पहुंचाते हैं, इसलिए आपके हम आभारी हैं। और आप सभी को चरण स्पर्श करते हैं हम कि हमारी जो शुभकामनाएँ लोगों के पास पहुँचाते हैं। उसके बाद हम अपने बारे में बताते हैं, हमारा नाम है बादल भाई, जो हमारा कैरेक्टर है यहाँ पर, हमारे बबलू भैया हमसे बड़े हैं, जो हमारा इसमें कैरेक्टर डाले हैं बादल भाई का, ठीक है। और हम जो हमारे विराट सिंह हैं, विराट सिंह के हम एक छोटे भाई के जैसे किरदार निभा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाती है, फिल्म के डायरेक्टर भी हमारे बेस्ट हैं, इसलिए कि वो हर एक चीज़ हर एक कदम सोच समझ कर चलते हैं, कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते। और जो हमारे प्रोड्यूसर हमारे राम जी मिश्रा, हम उनको धन्यवाद करें कि हम एक बार बोले भैया आप इस टीचर को आगे पूछ कर दीजिए, उन्होंने बिगड़ सोचे समझे भैया आप हैं, बबलू भैया हैं, बबलू जी हैं और हमारे मास्टर की सूरज भारती हैं, तो हम आप लोग के लिए हम इस प्रोजेक्ट को पूछ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे लगे, जो आपकी टीम है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम दिल खोल कर आप लोगों के साथ देंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भैया हमारे साथ हैं। और उसके बाद हमारे बबलू भैया जो हमसे बड़े हैं, बबलू भैया आइए आप, ये हमारे बबलू भैया जो हीरो हैं, हम इनको सहे दिल से प्रणाम करते हैं कि बबलू भैया हम आपके ऊपर डिपेंड है कि हमारी पिक्चर सुपर डुपर जानी चाहिए, जो मार्केट में जाए तो दस लोगों को दिखना चाहिए कि हमने कुछ किया है। जानलेवा मोहब्बत का मतलब क्या होता है और एक साधारण मोहब्बत का मतलब क्या होता है? ये जानलेवा मोहब्बत का मतलब है कि एक लड़की जिसके पीछे तीन तीन आशिक पागल हैं, और उसके कैसे उन लोगों की जान पे बनाती है, कैसे उन लोगों का मर्डर होता है या फिर एक्स वाई जेड जो भी होता है, वो तो हम आगे अपनी पिक्चरों में दिखाएंगे। हम तो बताएंगे तो आगे बता दो नहीं। थैंक यू। बाकी और हमारी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं, हमारी पिक्चर जरूर देखने आइए और हमारे पिक्चर का लाइक कीजिए, हमारे बबलू भैया हैं उनको आगे बढ़ाइए, हमारे सुनील भारती जी हैं सबको हम बधाई कर देते हैं कि भाई हमारी पिक्चर आगे बढ़े और सुपर डुपर जाए। बाकी सब सबको धन्यवाद। हाय मैं सूरज भारती, इस फिल्म में डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिल्म जानलेवा मोहब्बत नाम है फिल्म का। सूरज जी हमेशा मोहब्बत को काफ़ी नाजुक तरीके से देखा जाता है, काफ़ी प्यार से देखा जाता है, आप जानलेवा करने वाले हैं मोहब्बत को, क्या है
कॉन्सेप्ट है, एक गांव की कुम्हार की लड़की है और बहुत गरीब घर की है, एक चंदन करके कैरेक्टर है जो ऑलरेडी हमने फिल्म में दिखाया, दोनों पहले से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बट दो राजपूत की कहानी है, दोनों भाई रहते हैं और एक शादी में दोनों राजपूत दोनों भाई उस लड़की को देखते हैं और दीवाने हो जाते हैं। एक का करेक्टर साइको टाइप का है, वो साइको है पूरा, देन वो बदमाशी टाइप से उसे अपनाना चाहता है। एक करेक्टर है वीर सिंह का जो काफ़ी अच्छा है, जो भी कार्रवाई करता है कानूनी कार्रवाई, कानून के हिसाब से चलता है और सब चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूं ऐसा, बट ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि लड़की पहले ही किसी और से प्यार करती है। इस बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े, फाइट, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ होता है। लास्ट में एक जो साइको कैरेक्टर है उसकी मौत हो जाती है और हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, देन फिल्म खत्म होती है। हाँ, कुछ अलग मिलेगा, ट्रायंगल है, लव स्टोरी है, तो फन, एक्शन सब कुछ अलग ही मिलेगा आपको, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नया है इसलिए हम लोग इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी ऑडियंस के ऊपर है, हम देखते हैं ऑडियंस कितना लाइक करती है फिल्म। अभी उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, खेसारी लाल जी के साथ में वो गुजरात में शूट कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हुआ उनका आना, आने वाली थी लेकिन मेजर सीन चल रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ा बोला कि हम आप लोग मदद कर लीजिए, देन हम तो फिल्म में हैं।